एक बार हम प्रेरित का भी रुख कर लेते हैं क्योंकि मोहम्मद शमी के घर के अंदर इस वक्त प्रेरित मौजूद हैं। प्रेरित, जरा उनके परिजन से बात कीजिए, उनके फैमिली में वहां पर कौन कौन है और वो कितने एक्साइटेड इस मैच को लेकर हैं। अब बिल्कुल देखिए, इस वक्त मैं मोहम्मद शमी जो है उनके घर के अंदर मौजूद हूँ और मेरे साथ उनके कजन ब्रदर हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आज आपके भाई जो हैं इस घर से, इस गलियों से खेल करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज भारत का नाम रोशन कर रहे हैं, जहां इंग्लैंड की आज कहा जा रहा है कि अपने गेंदबाजी से परखच्चे उड़ा दे। कितने एक्साइटेड हैं आप? हम क्या, पूरा गाँव ही बहुत ज्यादा एक्साइटेड है और हम तो बहुत खुश नसीब है कि इंडिया सेमीफाइनल में पहुंचा है और फाइनल भी पहले की तरह जीतेगा, क्योंकि इंडिया एक बार और T20 वर्ल्ड कप फाइनल जीत चुका है। हमें उम्मीद है कि विराट और रोहित शर्मा की कप्तानी में इंडिया फाइनल जीते। एक सवाल ये भी है कि जब T20 की जो टीम की जब चयन किया गया था तो उस चयन में मोहम्मद शमी नहीं थे, उन्हें रिजर्व में रखा गया था, और आज जिस तरीके से वो खेल रहे हैं तो कितनी उम्मीदें हैं उनसे आज के मैच को लेकर के? जब शमी भाई को रिजर्व में रखा गया था, चयन नहीं हुआ था, तो शमी भाई यहीं आ गए थे गाँव में। उन्होंने अपनी बॉल से प्रैक्टिस की, लगभग गीली बॉलें मंगा ली थी, उससे प्रैक्टिस की, उन्होंने काफी ज्यादा मेहनत की, उन्होंने सोचा कि काफी लक मेरा साथ दे और मैं वर्ल्ड कप में जाऊं, तो हमें यही उम्मीद है कि शमी भाई बहुत अच्छे बेहतर करेंगे। उनके भतीजे भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। आज चाचा तेज गेंदबाजी करेंगे, भतीजे कितने एक्साइटेड हैं? मैं बहुत एक्साइटेड हूं क्योंकि उन्होंने पिछले कई मैचों में अच्छी मतलब परफॉर्मेंस दी है अपनी, और मैं उम्मीद करूंगा कि इस बार भी अपनी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करें। तो क्या मतलब, क्या लग रहा है आपको, क्या किस तरीके से भारत जो है वो इंग्लैंड को शिकस्त देने जा रहा है? देखिए, विराट कोहली हैं, वो अच्छी बैटिंग करते हैं, मुझे उनसे उम्मीद है कि वो अच्छे रन मारेंगे, और फिर सूर्य कुमार यादव है और वो रोहित शर्मा तो चल ही नहीं रहे हैं, मैं उम्मीद करूंगा कि वो उन्हें हिटमैन बोलते हैं। ठीक है प्रेरित, यानी कि मोहम्मद शमी के घर की तस्वीर तो आप दिखा रहे हैं और शमी जो इन्हीं गलियों से होते हुए आज उस मैदान तक पहुंचते हैं जहां पर सभी की निगाहें होती हैं और सभी को एक बड़ी उम्मीदें भी टीम इंडिया से बन जाती हैं। अब एक्साइटमेंट लेवल किस तरह का है वो भी जरा दिखा देते हैं। देश भर के अलग अलग तस्वीरें हमारे साथी जो हैं वो हमें दिखा रहे हैं कई जगहों पर। तो भाई अभी से श्वेता हम देख रहे हैं कि लोग बस ही इसी एक्साइटमेंट में है कि जो पाकिस्तान के साथ की बात हम कई जगहों की बात कर रहे हैं, हम पांच एंकर में भी कितना एक्साइटमेंट है। देखिए, राकेश तो पहले ही कह चुके कि आज टीम इंडिया जीत रही है, हम पाकिस्तान को हरा रहे हैं फाइनल में, मतलब एक्साइटमेंट लेवल देखिए कि हम आज के लिए भी बात नहीं कर रहे। शिवानी का रुख कर लेते हैं। शिवानी, जरा वहां की तस्वीर दिखाइए और बताइए कि किस तरह वहां लोग एक्साइटेड हैं और वहां का माहौल क्या है। बहुत कम वक्त बचा है अब। बिल्कुल, यहाँ पर अभी भी जो खिलाड़ी हैं वो बने हुए हैं, उनसे भी एक बार बातचीत करेंगे कि बहुत ही थोड़ा वक्त जो है वो बचा हुआ है। खुद ये जो लड़की यहाँ पर बैठी है ये खुद खिलाड़ी है, क्या कहेंगी? अभी थोड़ी देर में मैच शुरू होने वाला है, कितनी एक्साइटमेंट है? बहुत एक्साइटमेंट है और रोहित शर्मा आज पक्का सेंचुरी मारेगा। सेंचुरी की उम्मीद है। खैर, वैसे पूरा मैच देख कर क्या लगता है, आप तो तैयारी में खुद बैटिंग करके भी आए हैं, कितनी एक्साइटमेंट है मैच को लेकर? मैच तो यही है, फिर आज तो इंडिया जीतना चाहिए, फाइनल में जाएगा पाकिस्तान के साथ तो बहुत अच्छा मैच होगा, और रोहित का चलना जरूरी है, ओपनिंग पार्टनरशिप अच्छी होगी तो स्कोर भी अच्छे बनेंगे, फिर बॉलर्स को भी उतना ही हेल्प होगा बाद में। बिल्कुल, यहाँ पर जो खुद बल्ला लेकर बैठे हुए हैं, आपको क्या लगता है किसका बल्ला चले? थोड़ी देर में मैच शुरू होने वाला, टॉस कौन जीतना चाहिए? आज रोहित शर्मा तो चले गए, और टॉस कौन जीतना चाहिए? आज इंडिया जीतेगा टॉस और बैटिंग लेगा। बैटिंग लेगा। देखिए, ये यहाँ पर है लेकिन साफ तौर पर स्पष्ट है कि लोगों को रोहित शर्मा से फिलहाल इस मैच में बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं क्योंकि वो खुद इंडिया पाक का मैच देखना चाहते हैं। फिलहाल जिस ग्राउंड में हम मौजूद